हेलो फ्रेंड दोस्तों है, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज के शेड्यूल में देखें। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको सूचना मिलती रहे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला? दोस्तों ये मिला है बेम्बेटिका। और कौन सा जानवर था वो? डिंकी सोनिया। और किसने खोज करी थी? मध्य प्रदेश सरकार। किस सरकार ने खोज करी थी? मध्य प्रदेश सरकार। और मध्य प्रदेश में खोजा गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी कैपिटल की बात कर भोपाल। तो दोस्तों ये चीजें भी आप याद कर लें, और ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न हमने पढ़ लिया, ये बार बार पढ़ते रहे बार बार याद करते रहे। आपको कुछ भी पूछ ले कि दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला, तो बिम्बेट कहाँ मिला, और कौन से जानवर के मिला, तो डिंकी सोनिया। किस राज्य में मिला? मध्य प्रदेश में। कुछ भी पूछ सकता है, तो सारी चीजें आपको बिल्कुल पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेयजल संरक्षण किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये दोस्तों आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किया? भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो भारत की बात आती है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ये सारी चीजें अपन बहुत सारी जानकारी पे अपनी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि घटाकर कितने दिन कर दी? कितने दिन कर दी? 30 दिन। हरिद्वार कुंभ का जो मेला लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है और बहुत दिन तक चलता है, लेकिन 3 महीने 2-3 महीने तक चलता है, लेकिन उसको घटाकर 30 दिन कर दी, केवल 1 महीना कर दिया गया है ना, कोरोना संक्रमण को देखते हुए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCTF का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया? UNCTF तो प्रीति सिन्हा, किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सिन्हा को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया? तो किरण बेदी को। किरण बेदी कौन सा ऑप्शन है? किरण बेदी को, हाल ही में किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया, ठीक है। और ये किरण बेदी प्रथम IPS महिला भी है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि प्रथम IPS महिला कौन थी, तो किरण बेदी IPS, ठीक है, तो इसका नाम भी आप याद रखें, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण की शुरुआत की? तो स्मृति ईरानी, ये केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री है और महिला बाल विकास मंत्री भी है, तो स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, आठवां क्वेश्चन देखिए, बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो बिहार के भी रहे और झारखंड के भी पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, तो एम राम जोईस, उनका नाम क्या था? एम राम जोईस, एम राम जोईस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय टेलीविजन एकेडमी में 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एकता कपूर, किसे किया गया? एकता कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, 15 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी मिली? तो INS स्कॉर्पिन पनडुब्बी, कौन सी मिली? INS स्कॉर्पिन पनडुब्बी। और
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। विश्व की पहली रोबोट पेंटर का नाम बताइए जो अपना आईना देखकर तस्वीर बना देती है, तो आई दा, इसका नाम क्या है? आई दा। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की इस वर्ष कितने किलोमीटर की दूरी से मार गिरने की क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल परीक्षण शुरू करेगा? भारत तो 160 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 160 किलोमीटर के अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा, 160 किलोमीटर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।